यसाया उसका 43 उसका 2 लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। एक एक नदी भी आपको डुबा नहीं सकती, और जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी। इसका मतलब ये बाइबल नहीं कहता कि आप जबरदस्ती कोई आग में आप चलिए, मेरी बात को समझिएगा ठीक है, ना आपको कोई नदी में आपको कूदना नहीं है कि मैं अब नहीं डूब सकता। सो बाइबल जो कहता है वो ये है, कोई भी विपरीत परिस्थिति आए उसमें आप डूबेंगे नहीं, आप उसमें नष्ट नहीं होंगे, वो परमेश्वर आपके साथ है, उसकी आंच भी उसकी लौ भी आपको जला नहीं सकेगी, उसका कोई भी ताकत आपके जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। याद रखिएगा, जब परमेश्वर आपकी नाव में है हानि आपकी नहीं हो सकती। आपको लगेगा मेरी हानि हो रही, जैसे चेले यीशु के डिसीजन पर चले तो, परंतु उस जल के बीच में नाव पानी से भरने लगी, थोड़ा तो नुकसान समझ में आया, परंतु उनका जीवन बचा और उन्होंने परमेश्वर के कामों को देखा। सो जब भी हमें परमेश्वर जो कुछ कहता है करने के लिए, हमें तुरंत करने के लिए तैयार होना चाहिए। उस समय कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी आपके विरोध में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार एक व्यक्ति को जीवन व्यतीत करना चाहिए। हालेलुया। जब भी आप उसकी बात को कट करते हैं, यीशु की बात को आप इनकार कर देते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को आपके जीवन से हट जाती है, आप छोड़ देते हैं खुद ही अपने हाथ से। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में अदन की वाटिका को बनाया, आदम और हवा को जब उस वाटिका में रखा, परमेश्वर ने कहा सारे वृक्षों का फल तू खा सकता है, परंतु एक जो वृक्ष था उसके फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया। ये उसका डिसीजन था, परमेश्वर का निर्णय था कि तू उस पेड़ का फल नहीं खाना, नहीं तो जब खाओगे तुम मर जाओगे। परंतु उसे शैतान ने इस तरीके से बात किया, उसे बहका दिया कि उस हवा ने फल को खाया और आदम को भी खिलाया, और बाइबल कहता है वो आदम और हवा उस अदन की वाटिका से हटा दिए गए, परमेश्वर ने उन्हें हटा दिया और वो श्रापित हो गए, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, उसके सुख से दूर हो गए, उनकी परमेश्वर की आशीषों से दूर हो गए। हालेलुया। एक बात भी जब आप इग्नोर करते हैं ना, आप बहुत सारी चीजों को, आप परमेश्वर के आशीषों को आप छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें आपके जीवन से हटना शुरू हो जाती है, आप जीवन को छोड़ देते हैं, जीवन को, जीवन आपके आपके पास से हट जाता है, बच्चों में आशीषें रुक जाती, घरों में बरकतें रुक जाती है, बहुत सारी चीजों को आप त्याग देते हैं, आप परमेश्वर की योजना से दूर हो जाते हैं। परंतु जब आप उसके डिसीजन में आप सहमति देते हैं और जो वो कहता है आप करते हैं, तो जो वो देना चाहता है वो आप पाएंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता।